धारा 370 35A अब इतिहास बन चुका है और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना वायदा किया था देश के साथ उसे भी पूरा किया है। लेकिन इसके पीछे किस तरह की सोच रही है, कैसे इतने बड़े कदम को आयाम दिया गया और 70 साल से जिसका विरोध न सिर्फ संघ परिवार बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका करता आ रहा था, उसे अमली जामा कैसे पहनाया गया, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम माधव जी। माधव जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी पार्टी ने जो कमिटमेंट किया उसे आपने पूरा किया। जम्मू कश्मीर एक तरह से आप देख रहे हैं और आप लगातार मेहनत भी कर रहे हैं उस पर पार्टी के लिहाज से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सियासी ज़मीन जो तैयार की आपने, जिसकी वजह से आज हम धारा 370 के ख़त्म होता है वह एक सपने को साकार होता देख रहे हैं, कैसे किया आपने ये? वैसे तो धारा 370 आज जिस प्रकार आज वो हट गई है या उसके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक क्लासेस वो सब हट गए हैं, उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इन दोनों का जो विल पावर है, जो डिटर्मिनेशन है, उसको ही जाता है। वैसे तो धारा 370 जाना चाहिए, ये बात हम 70 साल से कह रहे हैं। तो जिस ढंग से वो गया है वो देखने के बाद हमारे लोग भी हमको पूछने लगे कि अगर इतना सहज रूप से सरलता से जा सकता है तो 70 साल क्यों लगा। तो मैं उनको एक ही बात कहता था, ये 70 साल लगा ये सही नहीं है, एक मोड़ी लगा है इसके लिए। एक डिटर्मिनेशन वाला नेता, मुझे करना है ऐसे संकल्प शक्ति के साथ जब आगे आते हैं तो रास्ता अपने आप निकलता है। एक संवैधानिक मार्ग से सही कदम उठाकर इसको हटाया गया है। पूर्ण रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी को मिलता है। आपका एक ट्वीट मेरा भी जहन में आ रहा है जो आपने इस राज्यसभा में जब इससे पारित किया गया था उसके बाद उस ट्वीट को किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो है 1992 का और आपने कहा वायदा पूरा किया। तो ये आप उनको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे या दरअसल आप जानते थे कि ये उनका सपना था जिसे आप सब लोगों ने मिलकर साकार किया? देखिए, शायद लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी में जब संगठन के काम में थे उस समय वे कश्मीर सहित उत्तर भारत के प्रभारी थे जी। तो उस समय जो कुछ भी आंदोलन हमारा धारा 370 वगैरह विषय में चलता था, स्वाभाविक ही वे उनमें अग्रसर रहते थे, वे भी आंदोलन के सूत्रधार रहते थे। ऐसा ही एक फोटोग्राफ जिसमें वो उस आंदोलन में शामिल थे, उस फोटोग्राफ मिला था तो मैंने इसे ट्वीट किया था। वैसे जो संकल्प मोदी जी ने उस फोटोग्राफ में दिखाई वो तो हमारा 1950 से वही संकल्प रहा है, धारा 370 हटना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर मोदी जी तक सब नेताओं ने ये बात कही है और एक प्रकार से हाँ, हमने तो वो वादा पूरा किया। और ये जो अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को देना था, जो देश की अखंडता के लिए आज़ाद भारत में ने एक प्रकार से, मैं अगर थोड़ा यूफोमिस्टिकली भी रखूं, तो खंडित भारत की अखंडता के लिए पहला बलिदान करने वाला व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। फिर उस अखंडता को साकार करने का, सुदृढ़ करने का कदम आज मोदी जी ने उठाया है। क्या बात है। आपने उसके बाद एक लेख लिखा जो कि अखबार में छपा, मैं उसके एक छोटे से कोट को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अ हिस्टोरिक ब्लंडर कमिटेड अबाउट 70 ईयर्स अगो ऑन 17 अक्टूबर 1949 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स हैज फाइनली बीन सेट असाइड। उसके साथ साथ आपका एक और कमेंट है उसमें, ऑल दिस वॉज हैपनिंग अंडर नेहरू हुम द एपोलॉजिस्ट नेवर टायर ऑफ प्रोजेक्टिंग एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट। आपने पंडित ने बिल्कुल इसका एक कारण है, 1948 में जी। जब संविधान सभा के अंदर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल को लाने का प्रस्ताव हुआ था, ये 306A के रूप में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में था जी। तो उस प्रस्ताव को पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने रखा गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लगभग सर्वसहमति से उसको रिजेक्ट किया, कहा कि आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं जी। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से जितने राज्य देश में इंडियन डोमिनियन में शामिल हुए उनमें कश्मीर को आप अलग क्यों कर रहे हो, अलग स्पेशल राइट्स क्यों दे रहे हो। इसका विरोध कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूरा का पूरा किया था, दो लोग छोड़कर, प्रस्ताव रखने वाला गोपाल स्वामी अयंगर और उसके समर्थन में एक व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाकी सबने विरोध किया। तो ये जो अधिकरण संविधान में आया सबके सहमति से तो आया नहीं था जी।
नेहरू अमेरिका में थे तो पटेल को फोन करके, देखो मैंने तो शेख अब्दुल्ला को वादा कर दिया, कमिट कर दिया, अब इसको करना ही पड़ेगा, आप समझाओ कांग्रेस वर्किंग कमेटी को करके पटेल के ऊपर वो भार सौंपते हैं। फिर पटेल नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि फिर नेहरू प्रधानमंत्री थे तो नेहरू और पटेल में भिन्न मत है, ये दुनिया देश में जाना ठीक नहीं था, सब सोचकर पटेल फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को समझाते हैं, दोबारा वो प्रस्ताव लाया जाता है, सेकंड डे ना चाहते हुए भी पटेल के ऊपर सम्मान के कारण उसको स्वीकार किया जाता है। तो ये लोकतंत्र था क्या? तो जिस नेहरू को हम लोकतंत्र का पुरोधा के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं वो ये सब कर रहे थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय के खिलाफ जाकर आर्टिकल 370 को संविधान में लाया था। जब आज कांग्रेस हमको क्वेश्चन करता है, आप लोगों को पूछा नहीं जी, मेरा पहला प्रश्न है कि आप किसको पूछ के लाए थे? इसको लाए थे तो किसी की बात सुनी नहीं थी, केवल नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला दोनों की ही बात थी उस समय। तो इसलिए हमने तो 70 साल से पूछते रहे, 70 साल से बात करते रहे लोगों से, हमको इसको हटाना है। पार्लियामेंट में 2 दिन पूरी चर्चा किए है, चर्चा करके हमने इस पर कदम उठाया है। मैं और एक बात भी कहता हूँ, 45 बार कम से कम 370 के अधिकरण के अंदर मॉडिफिकेशन किए गए अभी तक। फर्स्ट मॉडिफिकेशन नेहरू ने किया 1952 में, सदर या रियासत शब्द लाया गया। 1954 में 35A को लाया गया। ये सब 370 के संशोधन थे, सभी भी इसी रास्ते से लाए गए थे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के रास्ते से ही लाए गए थे। तब आप किसने किससे पूछा था? तो आज हम उसी रास्ते से इस अधिकरण में सुधार ला रहे हैं, हमारा कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन किया जा रहा है। उस उद्देश्य से मैंने कहा कि भाई हम तो सही लोकतंत्र के रास्ते पे कर रहे हैं। ऐसे में फिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेता बिल्कुल आपकी बात समझने को तैयार नहीं है? पी चिदम्बरम का ये कहना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है इसलिए आपने उसके अधिकार घटाकर उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कांग्रेस के दूसरे नेता कहते हैं कि आपने वहाँ पर एक पैलेस्टाइन क्रिएट कर दिया है, मणिशंकर अय्यर। अलग अलग नेता, दिग्विजय सिंह का तो मशवरा ये है कि भाई आप पूरे कश्मीर को हाथ से खो दोगे। कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है? नहीं, पहली बात तो हमने जब मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा को अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया तो मध्य प्रदेश के साथ अन्याय कर दिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सब हिंदू ही थे। उत्तर प्रदेश से काट कर उत्तराखंड बनाया था। तो राज्यों का पुनर्गठन संविधान प्रदत्त अधिकार है और धारा 370 के विषय में जो कुछ भी निर्णय हमने लिया उसमें मजहब का प्रश्न है। जम्मू कश्मीर तो इट्स मोजाइक का फॉल रिलीजियंस, वहाँ हिंदू होते हैं, बौद्ध होते हैं, सिख होते हैं, मुसलमान होते हैं, मुसलमानों में भी शिया बड़ी संख्या में होते हैं, सुन्नी भी होते हैं, बाकी वहाँ पहाड़ी होते हैं, गुजर होते हैं, वहाँ कोई एक रिलीजन विशेष का राज्य नहीं है। तो इसको इस प्रकार पेश करने का कोशिश करना कांग्रेसियों के दिवालियेपन को बताता है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, कांग्रेस को अपना हिस्ट्री पहले पढ़ लेना चाहिए जी। तब तो जब विशेष अधिकार भी दिया तो मैं फिर आरोप जो सच्चा आरोप है फिर लगाता हूं कि भाई मुसलमानों को खुश करने के लिए लगाया था। तो क्या आप ये कहेंगे कि आज राहुल गांधी के साथ साथ जो तमाम कांग्रेस के नेता, हालांकि अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं वहां पर, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम नेता अपने एक तरह से विचार शून्यता को हमारे सामने प्रदर्शित? बिल्कुल बिल्कुल, ये जानते नहीं है। मैं आपको बताऊं, 1963 में जी ओरल रिप्लाई था नेहरू का पार्लियामेंट में कि देखिए 370 से कोई भलाई नहीं हो रहा है, ये बात नेहरू की थी 1963 में। तो ये घिसते घिसते घिस जाएगा, वो एक डेलीगेशन मिलने जाता है तो वो कहते हैं कि यार इससे कोई भलाई नहीं हो रहा है, इट शुड इरोड एंड करोड बाई इटसेल्फ, ये घिसते घिसते गिर जाएगा ये। और कहते हैं कि आज हमने जितने चेंजेस लाए हैं इसमें अब तो ये पेपर टाइगर बन के रह गया है, इसमें कुछ बचा नहीं है। ये सारी बातें नेहरू के थे, जिन्होंने एक अधिकरण लाया वो खुद एडमिट करते हैं कि नहीं इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पहले अपना इतिहास तो पढ़े, इस 370 के इतिहास तो पढ़े, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको जिंदा रखते हैं आए अभी तक। हमने उस वोट बैंक की राजनीति को ध्वस्त किया है। मैं एक बात और कहता हूं, जिन्ना टू नेशन थ्योरी को लाया था, इस देश को तोड़ा था, शेख अब्दुल्ला थ्री नेशन थ्योरी लेकर आया, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, हम कश्मीर अलग है, वो थ्री नेशन थ्योरी फॉलो करने वाले अभी भी है, इधर चिदम्बरम साहब है, उधर महबूबा मुफ्ती है जी। अब हम उस थ्री नेशन थ्योरी को ध्वस्त किया है ये निर्णय करके, इंडिया एक राष्ट्र है, एक कानून रहेगा, एक जन रहेंगे। अब ऐसे में आपने अभी महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया,
आपका अनुभव रहा है उनके साथ काम करने का भी, क्योंकि आप उस समय पार्टी के कई फैसलों को उनके साथ मिलकर ले रहे थे। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला दोनों लगातार हर तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं कि कैसे अन्याय ही नहीं बल्कि हनन हुआ है और कश्मीर खड़ा होगा और एक बहुत बड़ा गृह युद्ध होगा। ऐसी संभावनाएं क्या वाकई में हो सकती हैं? ये तो केवल राजनीति कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी समाप्त है इन नेताओं का। हमारे साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जब हमने दोनों मिलकर एग्रीमेंट किया था जिसको लेकर हमारी सरकार बनी थी, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने स्पष्ट कहा 6 साल तक इसको फ्रीज कर देंगे, 370 की बहस को जी। फ्रीज कर देना अच्छा है, उस पर बात ही नहीं करेंगे वो ठीक है जी। तो इसलिए इनका कोई क्रेडिबिलिटी आज कश्मीरी समाज में नहीं बचा है और इसलिए वो लोग सेपरेटिस्ट की वाणी फिर आलापन शुरू कर दिया है। जब हमारे साथ आए थे हम इसी एजेंडे पर साथ लाए थे कि हम सब मिलकर जम्मू का हित देश के हित को लेकर चलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, महबूबा मुफ्ती का सार्वजनिक बयान था कि कश्मीर के लिए सबसे अच्छा अगर कोई कर सकता है केवल नरेंद्र मोदी कर सकता है, ये बयान था बिल्कुल महबूबा मुफ्ती का। तो ये जो समर सॉल्ट है इन नेताओं का या फिर जो कांग्रेस की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं, और कई और भी लोग हैं, कई टीकाकार हैं जिनके लेख आप लगातार पढ़ ही रहे होंगे, ये लोग कौन सी दुनिया में रहकर क्या प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं? पूरा देश आज इस सारे जो प्रक्रिया जो निर्णय हुआ है इससे बहुत हर्ष से इसको स्वागत किया है, और विपक्ष के अंदर भी कांग्रेस के अंदर भी जो प्रैग्मेटिक लीडर्स है जो देश का मूड जानते हैं वो सब लोग तो इस बात का स्वीकार कर रहे, स्वागत कर रहे हैं। चलो विपक्ष के हैं तो इतना तो करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि निर्णय सही है रास्ता ठीक नहीं था, कुछ तो उनको दिखाने के लिए कहना पड़ेगा। पर ये करण सिंह साहब हो या कांग्रेस के युवा नेतृत्व हो, सब लोगों ने कहा कि जो निर्णय हुआ है सही हुआ है, ये देश का मूड जो लोग जानते हैं वो इस बात के साथ सहमत है। कुछ लोग या तो अपने पुराने नेहरूवियन विचारधारा की दुनिया में आज भी जी रहे हैं, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जैसे आपने चिदंबरम साहब का नाम लिया है उसी विचारधारा में अभी भी वो पड़े हुए जिसका पूरा देश ने आज नकार दिया है। और बड़ी बात यह है कि कश्मीर घाटी सहित पूरा देश इसको नकार रहा है ऐसा लगता है। कश्मीर घाटी भी आज ज्यादातर शांत है, इतनी बड़ी निर्णय में छुटपुट घटनाएं होना स्वाभाविक है, बट व्यापक रूप से आज कश्मीर शांत। आज ईद का अच्छा यानी उनके त्यौहार मुसलमान भाई देश भर में दुनिया भर में मना रहे हैं, कश्मीर घाटी में भी लोग शांति से ईद का उत्सव मना रहे हैं। मैं कश्मीर को जानता हूँ भाई, कश्मीर में इंटरनेट बंद करना नया नहीं है, कर्फ्यू लगाना नया नहीं है, या सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती करना नया नहीं है, पर ये सब के बावजूद कश्मीर में हजारों लोग सड़कों पर आकर पत्थरबाजी करते थे, हमारे फोर्सेस के साथ लड़ते थे, टियर गैस होता था, फायरिंग होता था। आज 7-6 दिन पूरा बीत गए हैं, कोई इस प्रकार का वायलेंस नहीं। कारण इतना ही है कि कश्मीर की जनता भी आज सोच रही है कि मोदी जी जो कर रहे हैं शायद हमारे भलाई के लिए तो नहीं कर रहे। तो हमसे बड़े अच्छे से जानते हैं कि वहाँ एक तबका है जो इसी पर अपनी जीविका चलाता रहा है, पाकिस्तान का समर्थन करना, पाकिस्तान के झंडे फहराना, पाकिस्तान की जबान बोलना। इन लोगों पर कैसे नकेल कसी जाएगी? अब क्या न्याय किया जा सकता है ताकि इन्हें अब दोबारा मौका न मिले? नहीं, धारा 370 हटे ना हटे तो भी इनके ऊपर तो हमने काफी बड़े पैमाने पर इनके ऊपर कार्रवाई पिछले 4-5 सालों में किया था। हमने उसमें 2-3 तरीका अपनाया था। जहाँ तक टेररिस्ट का प्रश्न है, पहले एक प्रकार का डिस्क्रिशन दिखाया जाता था कि अगर पाकिस्तान से आया हुआ घुसपैठी है तो उसको मारो, अगर वो कश्मीर का बच्चा है उसको मारो मत, उसको थोड़ा संभालो, जेल में रखो, कुछ संभालो। हमने कहा कि टेररिस्ट टेररिस्ट है, इधर का उधर का नहीं होता है। जो हथियार उठाकर मासूम लोगों को मारता है उनके साथ जैसा टेररिस्ट के साथ व्यवहार किया जाना ऐसा करना चाहिए। हमने पिछले 5 साल में बड़ी संख्या में टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज किया है। दूसरा, टेररिज्म को ओवरग्राउंड रहकर बाहर रहकर सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स वहाँ बहुत लोग हैं, उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, जैसे इंजीनियर रशीद का नाम आप सुने होंगे, खुलकर टेररिज्म का समर्थन करने वाले रहते, असेंबली में रहते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर, पर करते हैं सेपरेटिस्टों का पूरा समर्थन। ऐसे लोगों के ऊपर हमने कानूनन कार्रवाई किया है, उन सबका जेल में रखा है। तीसरा एक कैटेगरी है जो फंडिंग करते हैं, फाइनेंस करते हैं जी, पाकिस्तान से दूसरे मार्ग से हवाला के मार्ग से पैसे लाया जाता है, उन पैसों का
पूरा इस्तेमाल किया जाता है टेररिस्टों को, पत्थरबाजियों को पैसे देने के लिए, उन रास्तों को भी हमने टाइट किया है। अब ऐसे में पाकिस्तान का भी मसला आता है। अभी आज ही खबर आई है कि पाकिस्तान ने स्कार्दू के अपने एयरबेस को एक्टिवेट कर दिया है, वहाँ पर J-17 हवाई जहाज ला रहा है और उसके साथ साथ तमाम तरह की तैयारियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहा है। नहीं, पहली बात तो हमको ये करना चाहिए कि पूरा देश को जो मोदी जी ने जो रास्ता दिखा है, कश्मीर हमारा है, तो कश्मीर को पाकिस्तान के चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए। हमारा है जी, हमारा संविधान है, जिसको जो करना है हम हमारे सार्वभौम अधिकार को यूज करके, हाँ पार्लियामेंट का सब सही संवैधानिक रास्ते से करेंगे, पर पाकिस्तान के चश्मे से कश्मीर को देखना बंद करें, ये हम 5 साल से करते आए हैं। हमने उनको कहा कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो एक तो लोकेस्ट स्टैंड है तो है नहीं। रही बात कितना पाकिस्तान जो प्रचार करे कितना सफल हो पाएगी, मुझे नहीं लगता कि आज पाकिस्तान का उस प्रकार की क्रेडिबिलिटी दुनिया में है ही नहीं जी। पाकिस्तान आज टेररिज्म का, टेरर फंडिंग के केस में अपने आप को बचा पाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल, तो FATF के सैंक्शन से खुद बच पाएगी तो बड़ी बात है, और इसलिए पाकिस्तान बहुत बड़ी दुनिया में प्रचार कर पाएगी, ऐसी स्थिति आज पाकिस्तान की नहीं है। अमेरिका उनके साथ नहीं है, रशिया साथ नहीं है, UK साथ नहीं है, आखिर यूनाइटेड नेशंस भी बोल दिया है कि हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाइना के मदद लेने का कोशिश कर रहा है, पर चाइना भी समझता है कि कहाँ $1 बिलियन ट्रेड वाला देश, कहाँ $90 बिलियन ट्रेड वाला देश, चाइना तो बुद्धिमानी से ही व्यवहार करेगा, इसलिए वो समस्या नहीं है। और पाकिस्तान के ये वार वाली क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि वो हमारे पर युद्ध लादने की कोशिश करे, 4 बार कोशिश कर चुका है, 5वीं बार ही कर सके, ऐसा होता है क्या, ऐसा आपको लगता है, ऐसा अंदेशा हो सकता है क्या? भारत बड़ा देश है, भारत ताकतवर देश है, इसलिए इन तमाम चीजों से भारत को कोई डरा सकता हो या मोदी जी को कोई डरा सकता हो, ये भ्रम में पाकिस्तान ना रहे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। रामाधर जी, वक्त है, इसलिए एक आखिरी सवाल, सभी पंचायतों में आप लोगों की तैयारी है कि आप ध्वजारोहण करना चाहते हैं 15 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर में, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है या दरअसल ये पूरे देश को एकजुट करने की बड़ी सोच है? इस बार क्योंकि पंचायत के चुनाव हुए कश्मीर में, सभी पंचायत लगभग 4000 पंचायत में आज सरपंच है, पंचस है, तो वहाँ आधिकारिक कार्यक्रम झंडा फहराने का इस बार होगा। हम जब सरकार में थे तो हम हर जिले में झंडा फहराने का कार्यक्रम 2015 से शुरू किया था, पहले कश्मीर घाटी में होता नहीं था, आतंक के डर से कुछ किसी घर में कमरे में हो जाता था, पर हमने पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम करना शुरू किया था। आज प्रशासन ने तय किया और उससे नीचे जाकर पंचायत लेवल में भी झंडा फहराने का कार्यक्रम होना है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने की पूरी कोशिश करेगी? हमारा तो प्रयास होगा, क्योंकि नया असेंबली बनेगा जी, अभी बिल जो बना है उसमें 90 सीट जम्मू कश्मीर के असेंबली के होने वाले हैं, तो हमारा पूरा प्रयास होगा और हमारा पूरा विश्वास भी है कि अधिकतर सीट हासिल करके हम उस पार्टी, उस राज्य के रूलिंग पार्टी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशंस बात करने के लिए और एक बार फिर बहुत बधाई, खास करके जिस तरह से आप सब जो कोर टीम है जिसने मिलकर इस पूरे बड़े एक इवेंट को बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशंस। धन्यवाद।